हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आप ड्यू डेट से पहले आईटीआर नहीं फाइल कर पाए तो अब आपके पास ऑप्शन है कि अपडेटेड रिटर्न के जरिए आईटीआर फाइल कर पाओ, लेकिन उसके कुछ रूल रेगुलेशन है। टीडीएस रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हो, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, नील आईटीआर भी फाइल नहीं कर सकते हो। अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास टैक्स लायबिलिटी होना चाहिए और उसका पेमेंट करने के बाद ही अपडेटेड रिटर्न फाइल होता है। अब डिटेल में रूल रेगुलेशन जानना है तो इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी हमने अपने चैनल टैक्स फाइलिंग स्कूल पर बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आईटीआर के बहुत सारे यूजफुल वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जल्दी से देखते हैं कि कैसे अपडेटेड रिटर्न फाइल करना है। सबसे पहले तो आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आपको डाउनलोड का बटन दिखाई देता है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही पेज इस तरीके से आ जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न का टैब ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। यहाँ पर असेसमेंट ईयर का आपको ड्रॉप डाउन दिखाई दे जाता है। जो भी असेसमेंट ईयर आपके लिए एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आइए, जो भी आईटीआर फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल होगा उस पर क्लिक कर दीजिए और उस आईटीआर का यूटिलिटी आप डाउनलोड कर लीजिए। सबसे ऊपर ही ऑप्शन दिखाई देता है यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड, ये वाले लिंक पर क्लिक करिए, डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। हमारे केस में हमने आईटीआर 1 को डाउनलोड किया हुआ है, बट इनकेस आपके लिए कोई दूसरा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। अपडेटेड रिटर्न में जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें फीड करना होता है वो सारे आईटीआर के लिए सेम होता है। उसके अलावा इनकम टैक्स पेमेंट को कैसे दिखाना है, अपडेटेड रिटर्न में कैसे जेसन फाइल जनरेट करना है, टैक्स कैलकुलेट करना है, कैसे उसे ऑनलाइन अपलोड करना है और कैसे आईटीआर का कॉपी डाउनलोड करना है, सब कुछ सेम टू सेम होता है और इस वीडियो में भी कवर है। बट इनकेस फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आईटीआर 1, 2, 3, 4 का अपडेटेड रिटर्न का भी वीडियो हमने बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आईटीआर फॉर्म हमारा डाउनलोड हो गया है। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद अब हमें लॉगिन करना है इनकम टैक्स पोर्टल पर। लॉगिन इसलिए करना है क्योंकि प्रीफिल डेटा आपको डाउनलोड करना है और उसके साथ साथ आपको 26AS चेक करना है, AIS चेक करना है। लॉगिन करने के लिए देखिए लॉगिन का यहाँ पर बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही हम डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। देखिए हमने ऑलरेडी एक बार रिटर्न फाइल किया हुआ था लेकिन वेरीफाई नहीं किया हुआ था, तो अगर वेरीफाई नहीं करते हैं तो उस आईटीआर को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हमें प्रीफिल डेटा डाउनलोड करना है तो ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाएंगे। यहाँ पर डाउनलोड प्रीफिल डेटा का हमें बटन दिखाई देता है, यहाँ पर डाउनलोड प्रीफिल डेटा का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जिस असेसमेंट ईयर के लिए आईटीआर फाइल करना है, ठीक है। हम करंट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं और डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो जेसन फाइल डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। जो भी फाइल हमने डाउनलोड किया हुआ था उसको हम एक फोल्डर में रख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, ताकि ढूंढने में आसानी हो। अब प्रीफिल डेटा हमने डाउनलोड कर लिया हुआ है, फिर से ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स में, और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS है। आप चेक कर लीजिएगा, अगर कुछ TDS हो या इनकम टैक्स पेमेंट आपने किया हो तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। उसके अलावा AIS भी चेक कर लीजिएगा। जिस भी फाइनेंशियल ईयर का ITR आप फाइल कर रहे हो उस फाइनेंशियल ईयर का आपको इन्फॉर्मेशन चेक कर लेना है, ठीक है। हमारे केस में ऑलरेडी सब कुछ हमने किया हुआ था तो ये सारे इंपॉर्टेंट काम आपको कर लेने हैं आईटीआर फाइल करने से पहले। ये सब काम कर लीजिएगा, उसके बाद आपको पोर्टल से लॉग आउट कर देना है। साइन आउट होने के बाद अब हमें उस फोल्डर में आ जाना है जहां पर हमने अपना जिप फाइल रखा हुआ है और जेसन फाइल, ठीक है। जिप फाइल जो कि हमारा आईटीआर फॉर्म है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करेंगे तो सेम नाम से एक फोल्डर और आ जाएगा। उस फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक एक्सेल यूटिलिटी हमें दिखाई देता है, डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए हमें इस तरीके का एरर दिखाई देता है, ये जो एक्सेल फाइल है प्रोटेक्टेड है, एडिट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर इनेबल एडिटिंग का हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है, क्लिक कर देना है। और कभी कभी इनेबल एडिटिंग पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से मैक्रोस का हमें एरर दिखाई देता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए इसको फिर से क्लोज कर देना है, डोंट सेव, और जो एक्सेल यूटिलिटी था उस पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ पर देखिए आखिरी में सिक्योरिटी है, यहाँ पर अनब्लॉक का आपको चेकबॉक्स दिखाई देगा, क्लिक कर दीजिए, अप्लाई पर क्लिक करिए, ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब दोबारा आप डबल क्लिक करके ओपन करिए। हमारे केस में देखिए एक्सेल 2019 है तो इस तरीके से ही काम करता है, ठीक है। किसी किसी वर्जन में देखिए आपको माइक्रोज में जाके इनेबल करना पड़ता है। अब देखिए एक्सेल फाइल फिर से ओपन हो गया है, यहाँ पर एक और सिक्योरिटी वार्निंग आया हुआ है कि मैक्रोस डिसेबल्ड है, तो इनेबल कंटेंट पर क्लिक कर देंगे तो इनेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब देखिए इस तरीके से जब आपको अलर्ट मैसेज आ जाए इसका मतलब अब आप एडिट कर सकते हो, मैक्रोस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से हमारा आईटीआर फॉर्म हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए राइट साइड में इंपोर्ट प्रीफिल का बटन है, इस पर हमें क्लिक करना है
और जो जेसन फाइल हमने डाउनलोड किया हुआ था प्रीफील्ड वाला उसको इम्पोर्ट कर लेना है। इस तरीके से अलर्ट मैसेज आया है, ओके पर क्लिक करेंगे, अब फोल्डर ओपन हो जाएगा। जिस फोल्डर में आपने सेव किया हुआ है जेसन फाइल उसको आप इम्पोर्ट कर लीजिए। इम्पोर्ट करने के लिए आपको जेसन फाइल सेलेक्ट करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। अब देखिए जो भी प्रीफील्ड डेटा था इम्पोर्ट हो रहा है। बहुत सारे डेटा आप देख सकते हो जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन का था, इनकम का कुछ डेटा होगा, वो सब कुछ इम्पोर्ट हो गया है, बैंक डिटेल सब कुछ इम्पोर्ट हो गया है। यहाँ पर जो भी पर्सनल डिटेल दिखाई दे रहा है इसको आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। सब कुछ अगर सही है तो स्क्रॉल करके नीचे जाना है। नीचे आएंगे तो जहाँ पर स्टेट कंट्री पिन कोड दिया गया है उसी रो में आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर इम्प्लॉई और पेंशनर के लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में प्राइवेट सेक्टर इम्प्लॉई है तो अदर्स हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आप नया टैक्स रिग में चुनना चाहते हो, तो हम नहीं चुनना चाहते हैं तो नो पर क्लिक कर देंगे। नो पर क्लिक करते ही कन्फर्मेशन का मैसेज आ गया है, यस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सेक्शन 139(1) का जो सातवां प्रोविजन है उसके तहत आप ITR फाइल करना चाहते हो क्या, तो यहाँ पर यस या नो का ऑप्शन है। अगर आप उसके तहत फाइल करना चाहते हो तो यस सेलेक्ट करोगे। यस सेलेक्ट करोगे तो नीचे बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, हमारे केस में नो है तो हम नो ही सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके थोड़ा सा और नीचे आएंगे, अब यहाँ पर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर हमें दिखाई दे रहा है, उसी के रो में यहाँ पर देखिए फाइल्ड अंडर सेक्शन का ऑप्शन है। यहाँ पे सेक्शन 139(5) रिवाइज दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है ऑप्शन 139(8A). अपडेटेड रिटर्न के लिए ये वाला सेक्शन ही एप्लीकेबल होता है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे आपका ITR रिफ्रेश हो जाएगा और अब आप देख सकते हो कि नीचे जो टैब थे यहाँ पर दो टैब एडिशनल आ गए हैं, पार्ट ए जनरल 139(8A) और उसके अलावा पार्ट बी ATI, ये पहले नहीं थे। जैसे हमने अपडेटेड सेलेक्ट किया ये दोनों टैब आ गए हैं और ये दोनों टैब जो होते हैं हर ITR में आपको आएंगे और इसमें जो डिटेल होता है हर ITR में सेम होता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इस ITR को देखकर भी आप कोई भी ITR फॉर्म भर सकते हो। तो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें देना पड़ता है यहाँ पर, सबसे पहले तो आपको 139(8A) सेलेक्ट करना है, उसके बाद पार्ट ए जनरल 139(8A) भरना है और पार्ट बी ATI आपको भरना है, बाकी सारा ITR फॉर्म आपको पहले जैसे ही भरना है, ठीक है। अब फाइल्ड अंडर सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे, सैलरी का डिटेल आप यहां पर भर सकते हो, फॉर्म नंबर 16 की मदद से आपको डिटेल अपना भरना है। उसके अलावा अलावेंस अगर आप कोई एग्जेम्प्ट इंटर करना चाहते हो तो यहां पर आप इंटर कर सकते हो। नीचे आएंगे यहां पर डिडक्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है, आपको सिर्फ प्रोफेशनल टैक्स इंटर करने का ऑप्शन दिखाई दे जाता है। हो सकता है कि बहुत सारा डेटा आपका प्रीफील्ड आ जाए, अगर 26 AS AIS में डेटा होगा तो ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा कि सही है या नहीं, ठीक है। अगर आपका कोई दूसरा ITR है तो उसका इनकम डिटेल कैसे भरना है तो सारा वीडियो हमने बनाया हुआ है ITR 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, तो चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी मदद से आप अपने इनकम का डिटेल भर लीजिएगा। अब हमारे केस में जो भी इनकम डिडक्शन या एग्जेम्प्ट इनकम एप्लीकेबल है हम जल्दी जल्दी फीड कर देते हैं। यहाँ पर हमने सैलरी का इनकम दिखा दिया हुआ है, अदर सोर्स का इनकम दिखा दिया हुआ है, डिडक्शन दिखा दिया हुआ है जो भी हमारे लिए एप्लीकेबल था और AIS को ध्यान में रखकर हमने यहाँ पर डिटेल अपना इंटर कर दिया हुआ है। सारा डिटेल भरने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे आखिरी में तो यहाँ पर टैक्स का और लेट फीस का कैलकुलेशन दिखाई देता है। अभी नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी तक हमने कैलकुलेट टैक्स बटन पर क्लिक नहीं किया हुआ है। कैलकुलेट टैक्स बटन पर हमें आखिरी में क्लिक करना है जब सारा डिटेल हम भर दे। तो फिलहाल सारा डिटेल इस पेज पर हमने भर दिया हुआ है। अब ऊपर जाएंगे और राइट साइड में देखिए वैलिडेट का बटन है, इस पर क्लिक करना है। जो भी पेज आप भरते हो सबको वैलिडेट करते जाना है, ठीक है। जैसे वैलिडेट पर क्लिक करोगे यहाँ पर दिखाई दे जाएगा कि शीट ओके है। इनकम डिटेल भरने के बाद देखिए आप TDS का डिटेल भी चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको डिटेल भरना तो नहीं है लेकिन चेकआउट कर लीजिएगा, प्रीवियस कुछ होगा तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद TCS है, ये भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद ATD, ATG, ATGGA ये भी आप भर दीजिएगा। उसके बाद टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में जाना है। इस पेज पर देखिए ज्यादा कुछ है नहीं, बैंक का डिटेल आपको दिखाई दे जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो वेरिफिकेशन वाले पोर्शन में आपका नाम होगा, फादर नेम होगा, पैन नंबर होगा और यहाँ पर सेल्फ सिलेक्टेड होना चाहिए, नहीं होगा तो सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है और प्लेस देखिए ब्लैंक होगा तो प्लेस यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। तो पूरा डिटेल हमने चेक कर लिया और जो यहाँ पर खाली था उसको हमने फिल भी कर दिया हुआ है। अब ऊपर जाएंगे और इस पेज को भी वैलिडेट कर देंगे। अब सारा इनकम का डिटेल और बाकी दूसरे डिटेल जब भर लो तो उसके बाद दो टैब रह जाते हैं, पार्ट ए जनरल 139(8A)
और पार्ट बी ATI। ये दोनों सभी ITR के लिए एप्लीकेबल होते हैं। अब कैसे भरना जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पार्ट ए जनरल 139(8)A आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो पैन नंबर और नाम पहले से दिया गया है। नीचे आओगे तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या इस असेसमेंट ईयर में जिसका ITR आप फाइल कर रहे हो उस असेसमेंट ईयर में आपने ऑलरेडी ITR फाइल किया हुआ है या नहीं। अगर आपने ITR पहले भी फाइल किया हुआ है तब आपको यस सेलेक्ट करना है। यस जैसे ही सेलेक्ट करोगे यहाँ पर कुछ ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, इनको भी आपको भरना है। सबसे पहले पूछा जाता है कि किस सेक्शन में आपने ITR फाइल किया था। 139(1) अगर ओरिजिनल होगा, ड्यू डेट से पहले होगा तब, बाकी अगर बिलेटेड है, रिवाइज है तो अदर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कौन सा ITR आपने फाइल किया था वो भी आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म नंबर दिए गए हैं, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल ITR का एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है। एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको ओरिजिनल ITR की कॉपी पर मिल जाएगा। उसके बाद किस डेट को आपने ओरिजिनल ITR फाइल किया था वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो ये सब कब करना है, अगर आपने पहले भी ITR फाइल किया हुआ है इस असेसमेंट ईयर में, ठीक है। अगर आप पहली बार ITR फाइल कर रहे हो अपडेटेड रिटर्न सीधा, तब आपको यहाँ पर नो सेलेक्ट कर देना है। एक चीज का और ध्यान देना है, जैसे कि हमारे केस में देखिए हमने ITR फाइल किया हुआ था लेकिन वेरीफाई नहीं किया हुआ था, तो ऐसे केसेस में भी आपको नो ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमारे केस में नो है तो हमने नो सेलेक्ट कर दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर एक और सवाल पूछा जाता है कि क्या हम एलिजिबल है सेक्शन 139(8)A के लिए। तो यहाँ पर आपको यस ही सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आप ITR फाइल ही नहीं कर पाओगे। अगर नो सेलेक्ट करोगे तो ITR फाइल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यस ही यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद ITR फॉर्म यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है। नीचे आओगे तो आपसे और एक सवाल पूछा जाता है कि किस रीजन से आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो। यहाँ पर बहुत सारे रीजन दिए गए हैं, चेकआउट कर लीजिएगा। मान लीजिए कि आपने पहले भी ITR फाइल किया था लेकिन उसमें इनकम रिपोर्ट सही से नहीं किया था, या रॉन्ग हेड में इनकम रिपोर्ट कर दिया था, या तो वहां पर आपने लॉस ज्यादा कैरी फॉरवर्ड कर दिया था, आप उसको कम करना है, और भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। बट इनकेस अगर आपने फाइल ही नहीं किया था तब आपको पहला वाला ऑप्शन चूज करना है, रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल, ठीक है। तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आना है A11 में। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अपडेटेड रिटर्न आप किस पीरियड में फाइल कर रहे हो। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो असेसमेंट ईयर खत्म हो के अभी 12 महीने नहीं हुआ है, तो पहला वाला ऑप्शन चूज करना है। अगर असेसमेंट ईयर खत्म हो के 12 महीने तो हो गए हैं लेकिन 24 महीने से कम है, तब आपको सेकंड वाला ऑप्शन यूज करना है, और 24 महीने से ज्यादा हो गया तब तो अपडेटेड रिटर्न भी आप फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे केस में पहला वाला ऑप्शन एप्लीकेबल था, हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हो उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट और टैक्स वगैरह लगता है। अब सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है पार्ट ए जनरल 139(8)A का, अब इस शीट को वैलिडेट कर देंगे। अब पार्ट ए जनरल 139(8)A कंप्लीट हो गया है, अब हम भरेंगे पार्ट बी ATI। ये भी एडिशनल टैब है, सिर्फ अपडेटेड रिटर्न में ही आपको ये वाला टैब दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से देना है। अब यहाँ पर सबसे ऊपर पूछा जाता है कि आपने एडिशनल इनकम कौन सा दिखाया हुआ है। तो हमारे केस में हमने ITR फाइल ही नहीं किया हुआ था, तो जो भी इनकम हमने दिखाया हुआ है इनकम डिटेल्स वाले पेज पर सारा का सारा एडिशनल ही है। तो सैलरी जितना था हम सैलरी में डाल देंगे, और अदर सोर्स जो हमने दिखाया है उसको हम अदर सोर्स में डाल देंगे। बट इनकेस आपने अगर पहले ITR फाइल किया हुआ था तब आपको यहाँ पर डिफरेंस अमाउंट इंटर करना है। जैसे कि आपने सैलरी 5 लाख दिखाया था पहले ITR में और अब आप 7 लाख दिखा रहे हो, तो जो 2 लाख का डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर दिखाना है। उसी तरीके से दूसरा जो हेड है अदर सोर्स हाउस प्रॉपर्टी या दूसरा ITR भर रहे हो तो कैपिटल गेन बिजनेस इनकम डिफरेंस अमाउंट आपको दिखाना है अगर आपने ITR पहले फाइल किया हुआ है। तो हमारे केस में ITR फाइल नहीं था पहले, तो जो टोटल अमाउंट हमने इनकम डिटेल में डाला हुआ है सेम टू सेम यहां पर इंटर कर देंगे। अब नीचे यहां पर टोटल अमाउंट आ गया है बिफोर डिडक्शन, और ये जो अमाउंट नीचे आया है जो कि टोटल अपडेटेड इनकम है ये डिडक्शन के बाद का अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाला, ये देखिए ये वाला, अगर आपने पहले ITR फाइल किया हुआ था, वेरीफाई भी किया हुआ था और सेक्शन 139(8)A वाले पेज में यस किया हुआ था, तो यहाँ पर आपको अमाउंट इंटर करना है कि आपने पिछले ITR में कितना इनकम दिखाया था, टोटल इनकम का अमाउंट इंटर करना है, ठीक है। हमारे केस में हमने फाइल किया था लेकिन वेरीफाई नहीं किया हुआ था तो वो काउंट ही नहीं किया जाएगा, तो इसलिए ये यहाँ पर ब्लॉक है। बट आपके केस में अगर प्रीवियसली फाइल दिखाओगे तो ये ब्लॉक नहीं होगा, यहाँ पर कंपलसरी आपको अमाउंट इंटर करना पड़ेगा पिछले ITR से। उसके बाद यहाँ पर देखिए अमाउंट पेबल भी आप दिखा सकते हो, रिफंड क्लेम भी दिखा सकते हो पिछले ITR का। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी अगर कुछ बन रहा है तो वो भी दिखाई देगा। पहले तो इस पेज को वैलिडेट करेंगे तो एरर आएगा, ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर जीरो आ रहा है, जीरो
टैक्स लायबिलिटी वाला अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी आना चाहिए और साथ ही साथ उसका पेमेंट भी हुआ होना चाहिए। हो सकता है आपके केस में टैक्स लायबिलिटी भी हो प्लस लेट फीस भी हो। तो कैसे कैलकुलेट करना है, किस तरीके से दिखेगा, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। आपको जाना है इनकम डिटेल्स वाले टैब में। अब इनकम डिटेल्स वाले पेज में आपको ऊपर जाना है राइट साइड में, तो यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स का बटन है, इस पर क्लिक करना है। अब हमारा टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, टैक्स कैलकुलेट हो गया है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, अब आप देख सकते हो यहाँ पर इतना टैक्स बन रहा था, रिबेट मिल गया, जिसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी जीरो हो गया, लेकिन लेट फीस 1000 रुपये हमें लग गया है, ठीक है। अब पार्ट बी एटीआई में जाएंगे, अब पार्ट बी एटीआई में आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए टैक्स लायबिलिटी अब हमें यहाँ पर दिखाई देने लगा है। टैक्स पेबल में 1000 है, लेट फीस में 1000 है, और उसके बाद नीचे देखिए टोटल टैक्स ड्यू में भी 1000 रुपीज हमें दिखाई दे रहा है। आपको अगर कोई टैक्स होगा तो वो सब एड होकर यहाँ पर अमाउंट आपको टोटल दिखाई देगा। अब जो भी अमाउंट आपको यहाँ पर टोटल ड्यू में दिखाई देगा वो अमाउंट आपको पे करना है, क्योंकि बिना टैक्स लायबिलिटी को पे किए आप आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो भी टैक्स लायबिलिटी आएगा पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने का तरीका बिल्कुल सेम है पहले जैसी। पेमेंट कैसे करना उसका वीडियो भी ऑलरेडी हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब पेमेंट करने के बाद आपको चलान का एंट्री करना है। यहाँ पर लाइन नंबर 14 में देखिए यहाँ पर बीएसआर कोड आपको इंटर करना है, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर ऑफ चलान और अमाउंट। एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, अगर कोई टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर बन रहा है और आपने पहले भी कोई टैक्स पेमेंट किया हुआ है या टीडीएस पे किया हुआ है तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हो, उसको एडजस्ट कर सकते हो अपनी टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में। ध्यान देना है अगर टीडीएस आपका ज्यादा कटा हुआ है तो आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हो, लेकिन इतना एडजस्ट आप कर सकते हो यहाँ पर सिर्फ 10-20 रुपए का लायबिलिटी बन जाए और उसको आप पे करो और आपका आईटीआर फाइल हो जाए, ठीक है। इतना हद तक आप टीडीएस एडजस्ट कर सकते हो। हमारे केस में टीडीएस तो है नहीं, तो हम मान लेते हैं कि जो भी टैक्स लायबिलिटी है उसका हमने पेमेंट कर दिया हुआ है। अब चालान का डिटेल हम जल्दी से इंटर कर देते हैं। चालान का डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है। जैसे ही हम चालान का डिटेल इंटर करेंगे यहाँ पर आप देखिए टोटल टैक्स ड्यू जीरो हो गया है, अब कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है और इसके ऊपर ही टैक्स पेड का जो बॉक्स है यहाँ पर 1000 रुपये हमें दिखाई दे रहा है। अब अगर आप इस टैब को वैलिडेट करोगे तो आपको कोई भी एरर नहीं आएगा। देखिए हम वैलिडेट पर क्लिक करेंगे और देखिए शीट ओके हो गया है। तो पूरा आईटीआर फॉर्म हमने भर दिया हुआ है, अब हम जनरेट करेंगे जेसन फाइल। कैसे जनरेट करना है उसके लिए आपको फिर से इनकम डिटेल्स में जाना है। यहाँ पर आपको फिर से कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करना है। अब आप बोलोगे कि ऑलरेडी हमने कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक किया हुआ था। ध्यान दीजिएगा, जनरेट जेसन फाइल पर क्लिक करने से पहले एक बार कैलकुलेट टैक्स पर जरूर क्लिक करिएगा। जब टैक्स कैलकुलेट हो जाए तो आपको इस पेज पर ही नीचे जाना है और वहां पर टैक्स और जो लेट फीस दिखाई दे रहा है चेकआउट कर लीजिए कि सही दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको फिर से जाना है पार्ट बी एटीआई में। यहां पर भी आपको अपना टैक्स लायबिलिटी और जो पेमेंट आपने किया हुआ था सही से इंटर हुआ है वो देख लेना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कुछ भी आपको इंटर नहीं करना है, कहीं पर क्लिक नहीं करना है, सिर्फ चेक करना है, ठीक है। अब देखने पे अगर कुछ मिस्टेक लगे तो आप उसको सही कर दो और उसके बाद फिर से जाकर आपको कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करना है, ठीक है। हमारे केस में कोई भी मिस्टेक नहीं है तो हम कहीं पर क्लिक नहीं करेंगे। अब हम जेसन फाइल जनरेट कर सकते हैं। जेसन फाइल जनरेट करने के लिए आपको फिर से इनकम डिटेल्स में जाना है और इनकम डिटेल्स में ऊपर आपको जनरेट जेसन फाइल का ऑप्शन दिखाई दे जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके से अलर्ट आता है, ओके पर क्लिक कर दीजिएगा, फिर से अलर्ट आएगा, ओके पर क्लिक कर दीजिएगा, फिर से अलर्ट आएगा और यहाँ पर एक आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है सेव जेसन का, ओके पर क्लिक करेंगे तो एक नया शीट इस तरीके से आ जाता है। अब इस नए शीट में आपको ऊपर सेव जेसन का बटन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और कुछ ही सेकंड में आपका जेसन फाइल जनरेट हो जाता है। इस तरीके से आपको अलर्ट मैसेज दिखाई देता है। ऊपर देखिए पाथ दिया गया है जहां पर हमारा जेसन फाइल सेव हुआ है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल आईटीआर भरने का और जेसन फाइल जनरेट करने का पूरा प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें जाना है इनकम टैक्स पोर्टल पर। इनकम टैक्स पोर्टल पर हमें लॉग इन करने का ऑप्शन मिल जाता है, क्लिक करिए। पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाता है। आपको जाना है ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न्स, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। उसके बाद फाइलिंग टाइप में आपको सेलेक्ट करना है 139(8)(a), ऑडिट है या नहीं तो नहीं है। उसके बाद आईटीआर फॉर्म टाइप, यहाँ पर आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है जिसका आपने जेसन फाइल जनरेट किया हुआ है। सारा डिटेल भरने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही पॉपअप मैसेज आ गया है, यहाँ पर अपडेटेड रिटर्न का रूल रेगुलेशन दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी पता था तभी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो, ठीक है। अब नीचे कन्फर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। इस तरीके से अपलोड का पेज आ जाता है। यहाँ पर अटैच फाइल का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो जो फाइल अभी आपने जनरेट किया हुआ था जेसन वाला जो सेव किया हुआ था, जहां पर सेव किया था उस फोल्डर को ओपन करिए
और जेसन फाइल को सेलेक्ट करिए और ओपन पर क्लिक कर दीजिए। अब ये वैलिडेट हो रहा है। अब आप देख सकते हो वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है, कोई भी एरर नहीं है। इस तरीके से स्क्रीन आ जाए तब आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको तुरंत वेरीफाई भी करना पड़ता है, तो इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन वाला यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेकबॉक्स पर क्लिक है, नीचे कंटिन्यू का बटन इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन का पेज आ जाता है। अब यहाँ पर वेरीफाई करने के बहुत सारे ऑप्शन है, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि हमारे केस में पहला वाला ऑप्शन एप्लीकेबल है, आधार ओटीपी के जरिए वेरीफाई हम करेंगे, तो पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पॉपअप आ गया है, एग्री टू वैलिडेट वाला चेकबॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे जनरेट आधार ओटीपी का बटन है, क्लिक करेंगे। अब वेरीफाई ओटीपी का पॉपअप आ गया है, हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को हम यहां पर इंटर कर देंगे और नीचे वैलिडेट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से एक कंफर्मेशन का हमें पॉपअप आ गया है, तो ऑफ कोर्स हमारा सारा डिटेल सही, हम श्योर हैं, तो सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। और सबमिट पर क्लिक करते ही हमारा आईटीआर सक्सेसफुली फाइल हो गया है और वेरीफाई भी हो गया है। कम्युनिकेशन हमारे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है, नीचे डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके आप आईटीआर का कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अपडेटेड रिटर्न से रिलेटेड दूसरे वीडियोस देखने के लिए आप हमारा प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।